गौशाला बंद कर रह गए शोपीस, प्रधान कर रहे भ्रष्टाचार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के विकास खंड पूर्वा के अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर गौशाला में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां उन्हें गौशाला में काम कर रहे एक व्यक्ति ने कवरेज करने से रोका। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में गौशालों का बहुत बुरा हाल है, न तो चारा दान में चारा रहता है, न कोई अन्य व्यवस्था ठीक रहती है। गौशाला में काम कर रहे व्यक्ति से पूछताछ के बाद पता चला कि गौशाला में गायों को चारा नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं उन्नाव जिले की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामवासियों से पूछने पर पता चला कि गौशाला में जो तार बंधे हुए हैं वो ग्रामीणों के पैसे से ही बंधे हुए हैं, जिससे उनके खेतों में जानवर ना जाने पाए। दूसरी ओर गौशाला में ही अपार गंदगी भी देखने को मिल रही है। पूर्वा उन्नाव से प्रीति तिवारी की रिपोर्ट। मोनू पटेल। हाँ भैया, ये जो तार वार इस गौशाला में बंधे हुए हैं तो ये ग्राम प्रधान द्वारा बंधा है कि आप दो लोग? सारे लोग, हम लोग चंदा लगा के बांधे। अच्छा, ग्राम वासियों ने चंदा लगा के बांटा है। प्रधान को आपने ये बात अवगत कराई थी? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? अब क्या कहना है, कहीं ना कहा कुछ नहीं, कहे आए देखे उसी में एक हरिजन आयुक्त भी कायम हुआ, उसी बवाल में हरिजन उसमें एक हरिजन आयुक्त भी कायम हुआ, प्रधान ने ही करवाया। अच्छा, प्रधान का नाम था क्या? पूर्व प्रधान सुमित यादव। सुमित यादव, अच्छा जी, धन्यवाद।